भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। वायुसेना दिवस के मौके पर भारत से हजारों मील दूर फ्रांस के बहुदों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के लिए नए राफेल लड़ाकू विमान भी हासिल कर लिया। वायुसेना दिवस पर भारत के साथ है इस बार एक खास समारोह फ्रांस में भी आयोजित किया गया। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के लिए पहला राफेल लड़ाकू विमान हासिल किया। देवियों एवं सज्जनों, हमारा फोकस वायुसेना को समृद्ध करने और उसकी क्षमता को बढ़ाने पर है। एक्सलेंसी मिनिस्टर, हमें विश्वास है कि फ्रांस द्वारा सभी 36 राफेल एयरक्राफ्ट और संबंधित इक्विपमेंट्स व वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी टाइमलाइंस को पूरा किया जाएगा। एक्सलेंसी मिनिस्टर पार्ले, मैं फ्रांस के सहयोग का शुक्रगुजार हूं, जो न सिर्फ रक्षा अपितु अन्य मामलों में भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि विश्व की दो मुख्य एवं बड़ी लोकतंत्र के बीच मजबूत सहयोग बढ़ता रहेगा और वह विश्व की शांति, समृद्धि और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को स्थापित करने में भी मददगार साबित होगा। दशहरे के दिन बकायदा शस्त्र पूजा की परंपरा निभाते हुए रक्षा मंत्री ने राफेल पर भारत का तिलक लगाया। आपको बता दें कि साल 2015 में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे की पहली किश्त के तहत ये विमान भारत को सौंपा गया है। हालांकि पहले स्क्वाड्रन के लिए राफेल के भारत आने में 6 महीने से ज्यादा का इंतजार और करना होगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।